क्या ये सिंबल है ना, देखिए है क्या, देखिए अपने मॉडल देखिए है ना, मानिएगा वहां अंगूर के बेल लगाना है, अंगूर के बेल लगाना है, बेल का टुकड़ा लगाना है, क्या लगाना है टुकड़ा, विवेक की बात कर रहे हैं आप, आपका मुंह इधर कर दो बिल्कुल ठीक है, जिंदगी की बात है, ठीक है, वहां अंगूर लगाना है, अंगूर बीज वाला अंगूर, कौन सा बीज वाला अंगूर, देखिए बीज वाले अंगूर के बीजों में, बीज वाले अंगूर के बीजों में और छिलके में, छिलका माने क्या बोल गया, बीज में और छिलके में, ऊपर का होता है ना, 90% पोषण मूल्य होते हैं, औषधि मूल्य होते हैं, इन द पेरी कार्प एंड द सीड 90% न्यूट्रिशन वैल्यू एंड मेडिसिन वैल्यू आर लिस्टेड इन द पेरी, बीजों में और छिलके में, साइंटिफिक लिखो सैंड में, मैं सब देखो, मैं प्रमाण दूंगा आपको, वैज्ञानिक हर एक का वैज्ञानिक प्रमाण मेरे पास है, चैलेंज है, सुभाष पारे का झूठ बोलते सिद्ध कर, खुला चैलेंज है, तो अंगूर की क्या लगाना है, बीज वाला अंगूर लगाना है, देखिए जिसके बीजों जिसके फलों में बीज नहीं होता, जिसके फलों में बीज नहीं होता और बिना बीज वाला अंगूर नपुंसक अंगूर होता है, नपुंसक स्टराइल, क्योंकि वंश आगे बढ़ाने का उसमें क्षमता, बीज वो फल भी नपुंसक और खाने वाला, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा, आगे कब मैंने कहा है नहीं, आप क्यों हंसते हो, ये हकीकत है, ये हकीकत है, हकीकत, ये बीज वाला बिना बीज वाला अंगूर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बिना बीज वाला अंगूर अपवाद है, अगर 1000 लोग हैं इसमें से 5-10 को नपुंसक होती है, वो नियम नहीं, वो क्या है, अपवाद है, अपवाद, इन्होंने क्या किया, हजारों बेल बेलों में एक बेल ऐसे देखी जिसमें बीज नहीं है, अरे ये तो लगाए, ये तो लगाए, और उसके डालिया तोड़ी लगा दी, उसको नाम दिया सदस सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, तो दुनिया में इतना ही नहीं, कोई भी अंगूर अगर वो देशीय है, प्राकृतिक है, उसका आकार गोल होता है, कितना होता है गोल, और 9 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई होती है, कितना 9 मिलीमीटर, इन्होंने देखा हमारे वो श्रीपाद दावोलकर जी ने और अंगूर उत्पादक संघ ने कि यूरोप में अरे एक अंगूर है जिसकी लंबाई 18 मिलीमीटर है, 22 मिलीमीटर सीडलेस है, और ज्यादा दाम दे रहे, अरे ज्यादा दाम दे, चलो हम भी कर लें, लेकिन उसके लिए छिड़काव करना पड़ता है जिब्रेलिक एसिड का, ये जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करके 9 मिलीमीटर अंगूर की लंबाई 18 मीटर बढ़ जाती, जिब्रेलिक एसिड हार्मोन है, हार्मोन का गुंदर में अनकंट्रोल सेल डिवीजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन, एंड कैंसर का लक्षण क्या है, क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, अगर हिम्मत है तो सीधा करो, जिब्रेलिक एसिड छिड़काव जिस पर किया है उसको कैंसर बिल्कुल नहीं होता, आप सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दो, मुझे अधिकार है, मैं भुगोगता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रखना चाहता हूं,
मिलने चाहिए, जो अधिकार है जानने का, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, वो सारा कानून मैं किताब में दे दूंगा। यहां पुना के पास भारत सरकार का अंगूर अनुसंधान केंद्र है मांगली में, वहां के डायरेक्टर सावन साहब थे, एक दिन उनका फोन आया कि सर मैं आपको एक दिन का वर्कशॉप करना चाहता हूं, मेरे जो वैज्ञानिक है साइंटिस्ट है उनके सामने, रिसर्च सेंटर के जितने भी साइंटिस्ट है उनके सामने, तो ठीक है आएंगे, हमारी टीम गई पुना की, तो प्रकाश यादव देशमुख सब हम टीम लेकर गए, माधव भुले हुए सब साथ में कैमरा पर देखी गए, और पूरा दिन मेरा शिविर चला। वैज्ञानिकों की आप ऐसी खुली थी वो मिटने के लिए तैयार नहीं थी, ऐसा देख रहे थे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पहली बार सुन रहे। मैंने सवाल किया जिबरेलिक एसिड से छिड़काव से जो आप लंबाई बढ़ाते हो उसका परिणाम मानवीय स्वास्थ्य पर क्या होता है, क्या इसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है? फिर भी कुछ नहीं, पांच मिनट को नहीं बोला, बाद में गोवा पर सवाल किया, उन्होंने कहा नहीं सर हमारे पास कोई रिसर्च इस आधार पर कह रहे हो कि बिना बीज वाला अंगूर खाने से आपको कुछ नहीं होगा, किस आधार पर कर रहे हो? ये खिलवाड़ हो रही है, खिलवाड़ हो रही है। एक तो अप्राकृत है क्योंकि प्रकृति में ईश्वर की अवस्था में बिना बीज वाला अंगूर नहीं है, ये लोग आध्यात्मिक हो नहीं सकता, वो तो नास्तिक पाखंड है, दूसरा स्वास्थ्य के लिए भी, लेकिन बीज वाले अंगूर में अरे क्या पोषण है, बीज वाले अंगूर कल देखेंगे आप, कल देखेंगे आपके लिए, दिखने दिखने के लिए रखा है एक एक पेड़ आपको दिखाने के लिए, बाकी तो छठा एक ट्रोनिंग कर दिया है बिल्कुल नहीं, बाकी रहा मैंने कहा इस सुबह को ईद को देखना चाहिए, कल देखेंगे आपको। तो ग्रेप लगाना लिखे बीजों के ग्रेप लगाना है, बीज वाले जिसको जे की आवश्यकता नहीं है अपने आप बढ़ता है, अपने आप आकार बढ़ता है, जिबरेलिक एसिड मारने की कोई आवश्यकता उनमें बहुत महत्वपूर्ण है। रेड ग्लोब, रेड ग्लोब, रेड ग्लोब नाम की वैरायटी बीज वाली है, हाँ रेड ग्लोब, रेड ग्लोब है, ग्लोब ग्लोब माने जीएलओबी आरईडी, रेड ग्लोब अनाबेशाही, अनाबेशाही, अनाबे अनाबे शाही, काली साहेबी, काली साहेबी, अने काले रंग की साहेबी, ये आर आए 516, ए आर आए 516, ए आई आर 516, ए आर आए 516 आधार कर पुणे के इंस्टीट्यूट है, उसकी वैरायटी है बीज वाली, अब बाकी सारी वैरायटी आप देखेंगे। रेड ग्लोब एक्सपोर्ट होता है, उनके पत्ते फोन नंबर बताऊंगा आपको, रेड ग्लोब एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने वाले का फोन नंबर लिखिए, बोलेंगे गुरु जी आप झूठ बोल रहे हो, पूछे उनको, यहाँ तो पूरा का पूरा खाता आपका बायोडाटा हमारे पास है, जाएंगे कहाँ? ठीक है, खंडेराव शेवाळे, खंडेराव शेवाळे, SHAWALE, खंडेराव शेवाळे, ओ केमिकल कर रहे कर दीजिए। इनके पास 12 एकड़ एक ग्लोब है बीज वाला, इतना 12 एकड़ एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट।
बाकी बिन बीज बिना बीज वाले होते हैं। क्रिमसन है, मांझी सफेद है, ग्राम भू याने, भू याने BHUYANE भू याने, तहसील सटाना 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 जिला नासिक उत्तराखंड, जिला नासिक उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, मैं देख रहा था आप क्या कहते, उनका मोबाइल नंबर है 9422 7554 38 9422 7554 38। दूसरा है समीर मेहर, नंबर दो समीर मेहर MEHER समीर मेहर, 2 acre रेड ग्लोब है, 2 acre रेड ग्लोब है उनका। गांव वारवाड़ी नारायण गांव के पास है। तालुका जुन्नर, जिला पुणे, तेथे काय उने, जिला 9860 4158 46 9860 4158 46। हाँ लिखे, नंबर 4 का 3 कौन सा, 3 का 4 3 सुहास थोरात, सुहास SUHAS थोरात THORAT सुहास थोरात, इनका 4 acre रेड ग्लोब है, 4 acre। ग्राम खोड़द नारायण गांव के पास, ग्राम खोड़द है नारायण गांव के पास। तहसील जुन्नर डिस्ट्रिक्ट पुणे, तहसील जुन्नर डिस्ट्रिक्ट पुणे का युति गई, ये पुना के पास है आपको मालूम नहीं है, होने वाले ऐसे होते हैं, अच्छी बात को मालूम नहीं करते। देखिए उनका नंबर 4 acre कितना हुए उनका, देख लो 9881 6 9881 6। मेरी उनसे बात हो गई है, वो मुफ्त में हमें स्टिक देने के लिए तैयार है, आपको बोल दे जब आपको मैं छाप लूंगी। 9881 6 9881 6 9 0 7 9 0। दूसरा है 9834 9834 8356 7 6 9 8 3 4 8 3 5 6 7 6। बाद में लिखे अनाबेशाई, फोर्थ नंबर, हाँ फोर्थ नंबर नहीं, फोर्थ नहीं, नंबर 4
अनाबेशाही बीज वाले अंगूर, विनायक पाटोले, विनायक पाटोले इनका फोन नहीं लगा, आज मैं शाम को उनको फोन करूंगा। ग्राम करौली टी, ग्राम करौली टी तहसील कौठे महांकाल, तहसील कौठे महांकाल जिला सांगली, जिला सांगली 997520311 997520311। कई गलती हो गई क्या? सही है ना? तो सापड़े अनाबेशाही, इनके पास अनाबेशाही है 997520311। 111 कितने बार? तीन बार। पांचवा है उमेश शिकार खाने, उमेश शिकार खाने, शिकार खाने में शिकार खाने वाले नहीं, इनका नाम है शिकार खाने, उमेश शिकार खाने। उनके नाना ने शायद हो सकता है शिकार खाया हो, नाम पर है ग्राम कोंगनोड़ी, ग्राम कोंगनोई तालुका कौठे महांकाल जिला सांगली, तहसील कौठे महांकाल जिला सांगली, सुखदेव महोदय जी आ गए क्या? सुखदेव महोदय जी आने का ठीक है। 97670 91530 91530। समझ में आ गया? अब लिखे अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रवीण दोषी, प्रवीण दोषी, प्रवीण दोषी DOSHI दोषी, उनके पास 20 की अलग अलग वैरायटी है अंगूर की, वेरिएबल वैरायटीज ऑफ द सीडेड ग्रेप। कौन कौन सी है? लिखे अनाबेशाही के 15 बेल, एक कतार उन्होंने खड़ी कर दी है, और जीवामृत पर, सब जीवामृत पर, अनाबेशाही की 15 बेल, रेड ग्रोव की 9 बेल, रेड ग्रोव 9 बेल, मांजरी 100 बीज वाला, मांजरी 100, सिलेक्शन 7 पुरानी वैरायटी है 93, इट इज ए इंप्रूव वैरायटी व्हिच इज डेवलप्ड बाय The Central Research Station, काली साहिबी, काली साहिबी, काले रंग की काली साहिबी, वहां ये सारे हम देखेंगे, हमने देखा है, तो जो अंगूर पर है और अक्टूबर में वहां से क्या लाएंगे हम? टिक लाएंगे। देखिए उनका पता है ग्राम हंतुरनी, ग्राम हंतुरनी HNTHURNI हंतुरनी, तहसील जहां एक मत नहीं है ऐसे बारामती, जिला पुणे,
तहसील इंदापुर है। यहाँ तो बारामती बताया उन्होंने, गांव के बाजू में मेरा खेती है। ठीक है, तो इंदापुर लगाइए, ऐसा करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वहां को निकाल मिलेगा, एक साल बाद दो साल के बाद मिलेगा ना, तो ये वहां लगाएंगे। ठीक है, इंदापुर लिखे। आपका नाम क्या है? जी सर, मैं गोरख साहू के साथ पहली बार आर्बिट्रल नाजर का रिटायर्ड एक्टिविटी। तो आपने उनका बगीचा देखा है? हाँ देखा है सर। आप जानते हैं उनके बेटे को? जानते हैं प्रवीण को? प्रवीण को जानता हूं। बहुत बढ़िया, लिखिए। उनका नंबर है प्रवीण दोषी का 9420 942 4955 9420 42 4955। उनका बेटा है स्वप्निल जोशी, जो देख रहा है अभी, ये तो बूढ़े हो गए, स्वप्निल देख रहा है उनका बेटा। उनका नंबर लिखे, स्वप्निल जोशी, सन ऑफ मिस्टर प्रवीण जोशी, हिज नेम स्वप्निल। 8 6 3 7 8 6 3 7 7 6 7 5 0 9 8 6 3 7 7 6 7 5 0। अब एक महत्वपूर्ण नाम लिखे, धर्मराव बिरादार, 16 साल से सुभाष पालेकर खुशी कर रहे हैं अंग में। कितना साल से? 16 इसमें मैंगो है, ARI 516 है, मैंगो है, ARI 516 है, और मैंगो बहुत बढ़िया है, मैंगो का स्वाद आता है आम का, वो भी आपको मिल जाएगा। ग्राम निम्बर्गी बुलेट निम्बर्गी, तहसील दक्षिण सोलापुर, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, सेवन एट सेवन फाइव जीरो सिक्स जीरो। उनका बेटा है बसवराज, 9975 6705 9975 6705। और हमारे चैंपियन ऑफ द चैंपियन नाम लिखिए, चैंपियन ऑफ द चैंपियन हितेश पटेल। कल जो लिखना है हमें, ग्राम मुंगसरा, यहां मठ में बैठे ना, मठ से औरंगाबाद रोड पर जाना है, औरंगाबाद नाका, इस मठ से औरंगाबाद नाका लिख लीजिए आप, क्योंकि कार वाले यहां है तो भटकना नहीं चाहिए। औरंगाबाद नाका पुल के नीचे, पुलिया के नीचे, अंडर द ब्रिज, क्या रास्ता, फोर लेन,
क्या अवस्था है? मखमलाबाद रोड, मखमलाबाद रोड, मखमलाबाद रोड पर निकलना है, मखमलाबाद पहुंचना है। कहां पहुंचना है? मखमलाबाद पहुंचना है। मखमला के बाद सातुरी, मातुरी, मातुरी जाना है, मातुरी, उसके बाद उसके आगे, मखमला के बाद मातुरी, मातुरी को पहुंचने के बाद मूंगसरा फाटा, मूंगसरा फाटा, फाटा माने, फाटा माने क्या? मूंगसरा रास्ता वो पकड़ना है। बाद में आएगी पेरुची वाड़ी, यानी गावा की बगीचा, नाम है पेरुची वाड़ी। हाँ, उसके बाद पेरुची वाड़ी, नाम पेरुची वाड़ी बताना है, पेरुची वाड़ी यानी गावा की, वहां से दाहिने हाथ में मोड़ना है तो मूंगसरा गांव आता है, राइट हैंड साइड मूंगसरा गांव आता है। मूंगसरा गांव से आगे जाना है दरी रोड, डी ए आ रहा है, दरी रोड, दरी रोड, दरी रोड को पहुंचने पे लेफ्ट हैंड साइड टर्न होना है, बाय बाजू में टर्न लेफ्ट साइड डावी कड़े, राम नदी गंगा छोटा पुलिया, राम नदी गंगा छोटा पुलिया आएगी, पुल आएगा, वहां से हमें हमारी कार बसेस पार्क करना है, वहां से पैदल जाना है। कितना किलोमीटर? वहां से 50 किलोमीटर, कितना? 50 किलोमीटर नदी का, बिल्कुल 2 मिनट में 5 मिनट में जाते हैं, 2 मिनट में पैदल जाते हैं, ठीक है। उनका नंबर है 9823 9823 290 969 9823 290 969। बढ़िया मॉडल, बढ़िया मॉडल, क्या बात, क्या बात। अंगूर का बेल हो गया, ठीक है। अंगूर की कटिंग लगाना है अक्टूबर में, लगाना है अक्टूबर में, क्या होता है डालिया पक्व होती है, अक्टूबर को प्रूनिंग के पहले डालिया होती है, मैच्योर होती है, तो अंगूर अच्छा होता है, इसमें आपको अक्टूबर में लगाएंगे, वो सब इंतजाम हो जाएगा, आप चिंता ना करो, आपकी सारी चिंता हम पर सौंप दीजिए, कमल लेकर सो जाए, और हो सके तो चाय पी लीजिए और 10 मिनट में वापस आइए। धन्यवाद।